हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप देख सकते हो, हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं टोचन मोड को, बिकॉज़ काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई टोचन मोड कैसे इंस्टॉल करें। तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे एक कार को इस तरीके से कुछ टोचन कर रखा है और खींचने में कुछ ज़्यादा ही ताकत लग रही है। टोचन मोड को कैसे इंस्टॉल करना है और बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज एक दो ही स्टेप्स हैं और वो भी स्किप कर दोगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो तुम बगैर टोचन मोड के खेल लो फिर तो यार। तो अब वो स्टेप्स क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एज़ पर द रूल्स, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। बाकी कोई क्वेरीज होगी तो अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टोचन मोड को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या बटन्स यूज़ होंगे, कौन से फाइल्स लगेगी, वो सारी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। तो टोचन मोड को यूज़ करने के लिए आपको इस मोड की ज़रूरत पड़ेगी वर्किंग विंच फॉर ऑल व्हीकल्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये वाला पेज खुल जाएगा आपका। देन आपको ये डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद ये वाला एक और पेज खुलेगा, उसमें ये वाला जो डाउनलोड है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है देख सकते हो आप। अब देन ये जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको डाउनलोड करने के बाद आपको ये वाला जो फोल्डर मिलेगा इसको आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है विंडार के थ्रू। तो मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके की हमको फाइल मिलेगी। अब इस फाइल का काम होगा हमारी GT5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर। तो हम अपने GT5 की मेन डायरेक्टरी को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड रख लिया, इधर हमारा टोचन वाला फोल्डर है और यहाँ पे हमारी GT5 की मेन डायरेक्टरी है। जो मेन काम है आपका वो होगा स्क्रिप्ट फोल्डर का। तो स्क्रिप्ट फोल्डर यहाँ पे आप देख सकते हो है नहीं, कुछ बंदों के जो डायरेक्टरी है उसके अंदर होगा और जिनके पास नहीं है, जिनके मैं नहीं शो कर रहा, वो सिंपली अपना एक यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और उसका नाम रख देंगे स्क्रिप्ट्स। स्पेलिंग आपको सेम यही रखनी है, चेंज नहीं करनी है, थोड़ा बहुत भी चेंज होगा तो काम नहीं करेगा मॉड। एंड उसके बाद स्क्रिप्ट्स का फोल्डर ओपन कर लेना है। फिर ये वाली जो हमारी फाइल है winch.dll वाली, इसको यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस फोल्डर के अंदर। तो जो हमारा मॉड है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको गेम के अंदर दिखाता हूँ कि आपको टोचन मोड को किस तरीके से, कौन से बटन या की से यूज़ करना है। तो चलते हैं अपने गेम के अंदर। तो ये हम गेम के अंदर आ चुके हैं। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी कार की, किसी भी व्हीकल की, कुछ भी ले लो आप, जिस जो आपका मन करे, सारे व्हीकल्स के साथ काम करता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक व्हीकल ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका व्हीकल छीन लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अब आपको पहले तो ये मुझे भगाएगा, मुझे पता है भागना पड़ेगा मुझे यहाँ से। हाँ तो मैं थोड़ा सा भाग लेता हूँ, भाग के मैं इसको भगा ही देता हूँ साले को। तो टोचन मोड को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली किसी भी कार पर, जैसे हम अपने गन से एम करते हैं तो आपको एम करना होगा, देन आपको स्पेस और शिफ्ट एक साथ दबाना होगा। और जैसे आप दबाओगे आप देख सकते हो हमारा जो कार का टोचन है वो उसमें अटैच हो चुका है। अब हम इस कार को घसीट सकते हैं। ओके, घसीटने के लिए हमको चाहिए होगी पावरफुल कार। अब सिंपली आप इस टोचन को हटाना चाहते हो तो आपको अगेन स्पेस एंड शिफ्ट प्रेस करना होगा, तो ये टोचन हट जाएगा। ये तो हो गया भाई व्हीकल के साथ कि हाँ भाई व्हीकल के साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं। मैं बाकी चीज़ों के साथ भी अटैच करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इस खटारा कार को चेंज करते हैं हम। तो फटाफट से चलते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्राई करते हैं हम। हाँ तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहीं पर दिख गया। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा चैनल पड़ा हुआ है यहाँ पर, दो दो चैनल पड़े हैं मेरे। तो अपने चैनल को मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ शिफ्ट और स्पेस के साथ और मेरा चैनल हुक हो गया इस कार के साथ। अब मैं अपने चैनल को थोड़ा घसीट कर दिखा देता हूँ आपको, वो भी हाईवे पे। तो आप देख सकते हैं मेरा चैनल किस तरीके से घसीटा जा रहा है रोड पे सरेआम। ओके, मैं तो घसीट भी नहीं पा रहा यार। तो भाई ये तो हो गया छोटी मोटी चीजों के साथ अटैचमेंट। अब इसको हटा देते हैं, चैनल को छोड़ देते हैं, ज्यादा नहीं घसीट। अब मैं एक बार किसी बड़े ऑब्जेक्ट के साथ ट्राई करके देखता हूँ। तो बड़ा ऑब्जेक्ट तो फिलहाल के लिए क्या है, बड़े वाले डस्टबिन। चलो बड़े वाले डस्टबिन के पास चलते हैं। शिफ्ट एम करके शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे। वो जी लो, ये भी अटैच हो गया। अब लेकिन मेरे ख्याल से लोहे का है तो इसलिए इसको खींच नहीं पा रहा है, तो हटा देते हैं इसको। चलते हैं कहीं और ट्राई करने, कुछ भी कुछ डिफरेंट। ये कुत्ते के ऊपर ट्राई करें क्या, मर जाएगा यार कुत्ता जाने का, जल्दी बात है। कहाँ पे करें, कहाँ पे करें, चल के किसी पत्थर पे ट्राई करते हैं। यस चलो, पत्थर होंगे क्या यहाँ पे है तो।
फिलहाल तो ये छोटा वाला पत्थर है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये इसके साथ अटैच होगा। हाँ, तो ये इसके साथ अटैच नहीं हो पा रहा है आई थिंक, बिकॉज़ ये सरकने वाला पत्थर नहीं है, मतलब एक जगह फिक्स है ये। इंसानों पे ट्राई कर लेते हैं। अरे भाग मत भाई, रुक 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 रुक। अरे ये तो इंसानों पे भी काम कर रहा है भाई, वाह। तो आप देख सकते हैं इंसानों पे भी काम कर रहा है। तो भाई इतना ही था इस टोचन मॉड की वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक और मॉड्स की वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, टाटा बाय बाय, गुड बाय।